नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। भारत ने अचानक निकाला चीन का फेफड़ा सुखाने वाला हथियार। अग्नि 5 की दहाड़ से कांप गए भारत के सारे दुश्मन। समुद्र में भारतीय खूंखार मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण देखकर चीन की धड़कनें बढ़ी। भारतीय मस्जिद के अंदर पहुंचते ही फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हो गया बहुत बड़ा कांड। भारत को 100% फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने को तैयार हुआ फ्रांस। अब आएगा असली मजा। फ्रांस के साथ मिलकर रतन टाटा ने मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर में जबरदस्त तूफान मचा दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने गलती से निकाल दिए अपने सबसे खूंखार हथियार, चीन में त्राहिमाम। दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भले ही फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, लेकिन इस परेड में सबसे ज्यादा नजर चीन की थी। परेड के दौरान चीन देखना चाहता था कि भारत ने अब तक कौन कौन से खूंखार हथियार और मिसाइल बना लिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार के गणतंत्र दिवस में चीन का डर अब हकीकत में बदल चुका है, क्योंकि भारत ने परेड में उस मिसाइल का प्रदर्शन किया जो बटन दबाते ही चीन के अंदर भूचाल लाने के लिए काफी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने अग्नि 5 के अलावा भी कई ऐसे हथियार पहली बार सामने दिखाए, जिसे देखकर चीन और फ्रांस दोनों बेहद हैरान है। वीडियो में हम आगे ये भी जानेंगे कि भारतीय मस्जिद में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आखिर कौन सा कांड हो गया, जिसकी चर्चा बेहद तेजी से हो रही है। वहीं आगे इस बात की भी चर्चा होगी कि रतन टाटा ने फ्रांस के साथ मिलकर भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कैसे जबरदस्त बूस्ट दे दिया। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत ने समुद्र में कौन सी ऐसी मिसाइल परीक्षण किए जिसके बाद चीन का फेफड़ा सूख चुका है। एक एक करके सभी खबरों को जान लेना बेहद जरूरी है ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे ना छूट जाए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट में दो शब्द जरूर लिखें। दोस्तों, 24 जनवरी को भारतीय नौसेना ने एक नए वर्जन वाली ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। परीक्षण हुए तो कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक इस मिसाइल की गर्जना खत्म नहीं हुई। इस मिसाइल में फायर पावर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है, जो युद्धपोत से जमीन पर हमला कर सकती है। नौसेना ने समुद्र में 900 किलोमीटर तक के इलाके में नोटिस जारी कर दिया है, जिससे लगता है कि इसकी रेंज काफी बढ़ चुकी है। इस खबर को सुनकर पूरे चीन में तहलका मचा हुआ है। ये एक एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस परीक्षण में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल थी। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अब बढ़कर 800 किलोमीटर हो चुकी है, जो भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा फायदा है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल परीक्षण के बाद अब पूरा का पूरा मालदीव भी भारत की रेंज में आ चुका है। इसी कारण इस मिसाइल परीक्षण ने पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया और गणतंत्र दिवस पर मालदीव भी भारत को शुभकामनाएं देने के लिए घुटने टेक चुका है। अब नौसेना दुश्मन के टारगेट्स को बहुत दूर से सटीकता से निशाना लगा सकती है और उन्हें तेजी से नष्ट कर सकती है, जबकि खुद सेफ रहेगी। इस मिसाइल की सटीकता भी कमाल की है, जिससे कोलेटरल डैमेज का खतरा बहुत कम होता है। पहले इसकी रेंज सिर्फ 200 किलोमीटर थी, जो अब बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दी गई है, जिससे नौसेना को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलेगी। ये भारत के लिए बेहद मजेदार खबर है, लेकिन चीन की नींद उड़ चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी अद्भुत है कि यह हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते टारगेट को भी तबाह कर सकती है। ये सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए दुश्मन के रडार से बची रहती है। इसे मार गिराना नामुमकिन है। ये अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से भी दोगुनी स्पीड से उड़ती है और भारी एनर्जी वाली है। इसी कारण से जब किसी युद्ध में इस मिसाइल की एंट्री होगी तो विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वर्जन हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटीशिप वर्जन, दूसरा युद्धपोत से लैंड अटैक वर्जन, दोनों पहले से इस्तेमाल में है। तीसरा और चौथा वर्जन पनडुब्बी से दागे जाने वाले एंटीशिप और लैंड अटैक है, जिनका सफल परीक्षण हो चुका है। दोस्तों, इस मजेदार खबर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको एक और बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। भारतीय नौसेना ने कई युद्धपोतों में धासु ब्रह्मोस मिसाइल लगाई है। राजपूत क्लास के INS रणवीर और INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाले लॉन्चर हैं। तलवार क्लास की INS तेज, INS तरकश और INS त्रिकंद में भी यही सेटअप है। शिवालिक क्लास और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर में भी ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है। INS विशाखापट्टनम में इसका सफल टेस्ट हो चुका है और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट में भी जल्द ही ये मिसाइल लगेगी। अब आप इस मिसाइल के बारे में एक और धमाकेदार बात सुन लीजिए। इस नौसैनिक ब्रह्मोस मिसाइल में 200 किलो वॉरहेड है और ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम है, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड।
दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और ईंधन की खपत भी कम करता है। इस मिसाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आइए दोस्तों, अब आपको उस दरगाह में ले चलते हैं जहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने विकसित किया था। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने 26 जनवरी को दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का दौरा किया। वहां वो करीब आधे घंटे रुके और जमकर कव्वाली का मजा लिया। उनके साथ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी थे। मैक्रोन ने कव्वाली सुनी और चादर भी चढ़ाई। उनके इस दौरे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वो वहां रात करीब 9:45 पर पहुंचे और आधे घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। यहां उन्होंने कव्वाली का आनंद लिया और ये अनुभव उनके और उनकी टीम के लिए यादगार रहेगा। मैक्रोन ने कहा कि वो इस खास मौके का हिस्सा बनकर और भारत के G20 समिट की सफलता के बाद वापस आकर खुशी महसूस कर रहे हैं। ये दरगाह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की कब्र का स्थान है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए कि आखिर फ्रांस ने भारत आकर कौन कौन से तोहफे दिए हैं। ये सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट भी माना जा रहा है जो फ्रांस ने भारत को दे दिया है। फ्रांस की मशहूर कंपनी सैफ्रॉन अब भारत को फाइटर जेट के इंजन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, जिससे इंडिया में ही ये इंजन बन पाएंगे। इस खबर से डिफेंस सेक्टर में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील पर अभी फाइनल बात नहीं हुई, जो अरबों डॉलर की है। इंडिया और फ्रांस ने डिफेंस, स्पेस, सैटेलाइट लॉन्च, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन सेक्टर में भी पार्टनरशिप बढ़ाने का फैसला किया। फ्रांस में मास्टर डिग्री करने वाले भारतीय छात्रों को अब 5 साल के लिए शैगन वीजा मिलेगा। वहीं भारत और फ्रांस ने आर्मी हेडक्वार्टर को को डिजाइनिंग, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर एक डील की है। दोनों देश मिलकर एक नया डिफेंस रोड मैप बनाएंगे और एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर भी बनाएंगे। टाटा और एयरबस इंडिया मिलकर H125 हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत होगा और 2026 में उत्पादन शुरू करेगा। फ्रांस भारत को फाइटर जेट इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस में भारत ने अपने कौन कौन से खुफिया हथियार दिखाए, जिससे चीन में अगले कई महीनों तक हड़कंप मचा रहेगा। दोस्तों, भारत ने एक झांकी में अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें एसेट मिसाइल, अग्नि 5 और कई एडवांस सिस्टम शामिल थे। मिशन शक्ति के तहत एसेट ने भारत की एंटी सैटेलाइट क्षमता दिखाई और अग्नि 5 ने अपनी लंबी रेंज और सटीकता से प्रभावित किया। MP-ATGM ने अपनी फायर एंड फॉरगेट और रात्रि क्षमताओं का प्रदर्शन किया। अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल से चीन का होश उड़ा रहता है और वो इस मिसाइल के बारे में चर्चा करते हुए UN में कई बार भारत पर आरोप भी लगा चुका है। भारत ने एक भव्य झांकी में अपनी आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे NASAMS-R नाग एंटी टैंक मिसाइल, QRSAM और अस्त्र मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। ये सभी प्रणालियां उन्नत क्षमता और सटीकता से लैस थी, जिसमें ऑल वेदर ऑपरेशन और सुपरसोनिक स्पीड की विशेषताएं शामिल थी, जो उन्हें किसी भी दुश्मन को नाकाम करने में सक्षम बनाती है। भारत ने अपनी डिफेंस क्षमताओं की एक जोरदार झांकी पेश की थी, जिसमें LCA तेजस और उत्तम ISR रडार के साथ एडवांस शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, पिनाका, नाग मिसाइल सिस्टम, MRSAM और स्वाति रडार शामिल थे। ये भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली तकनीकी विकास का प्रतीक था। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि भारत के किस मिसाइल से चीन की हालत खराब रहती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट को लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।